हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिट अप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट को स्टार्ट। और सिंगल लिंक्ड लिस्ट का जो थ्योरेटिकल सेक्शन है क्या होता है, क्या से कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक्ड लिस्ट में जो है वो कर लिया है। आज हम उसे प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। एंड रिमेंबर दिस, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। अगर आप मतलब सच में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आए हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रोग्राम काफी लंबा होगा, ऑब्वियसली लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम है, और समझना भी होगा। अगर आप आने वाले हर प्रोग्राम को समझना चाहते हैं तो आपका भी एफर्ट है और आपके साथ साथ मेरा भी एफर्ट इसमें बहुत लगने वाला है, ताकि मैं आपको इस पूरे लिंक्ड लिस्ट के क्रिएट को और डिस्प्ले को, ये दो फंक्शन को मैं आपको बता सकूं, डिलीवर कर सकूं। तो विद पेशेंस बैठिएगा, समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन अगर आप भगा भगा के देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिएगा तो नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा टाइम दीजिएगा। आप डेफिनेटली वीडियो खत्म होने के बाद जरूर मुझे कमेंट करेंगे, सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कोड हम करने वाले हैं वो है हमारा सिंगल लिंक्ड लिस्ट का कोड, राइट? सो द कोड विच वी आर गोइंग टू राइट इज द कोड ऑफ सिंगल लिंक्ड लिस्ट, यानी कि जो हमारा सिंगल लिंक्ड लिस्ट है उसके लिए हम कोड लिखने वाले हैं। अब सिंगल लिंक्ड लिस्ट को इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करता हूं, क्योंकि इसी तरीके को मैं प्रोग्राम के रूप में आपके सामने यहां लिख दूंगा, ठीक है? बिल्कुल एज इट इज प्रोग्राम के तरीके में लिख दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? देखते चलिएगा, मतलब एक दूसरे सारी चीजों को ना कम्युनिकेट करते चलिएगा। यहां पे मैं आपको एक तरह से इसका ड्राई रन समझाऊंगा, एंड ड्राई रन विल लेट यू नो हाउ एग्जैक्टली कोड इज वर्किंग ऑन इट। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम, यानी कि दिस इज द प्रोग्राम फॉर क्रिएट एंड डिस्प्ले सिंगल लिंक्ड लिस्ट, यानी कि हम सिंगल लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट और डिस्प्ले करेंगे। मैं सब लिखूंगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम ही बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत स्पेस बचाऊंगा, थोड़ी सी शॉर्ट लिखूंगा, छोटी छोटी लिखूंगा। अगर आपको ना दिखे तो आई एम सॉरी, उसको जूम करके आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। चलिए, तो अगर हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सबसे पहला लाइन होता है सी का, वो होता है कौन सा, हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हमारा ये क्या हो गया, सबसे पहला हेडर फाइल। दूसरा फाइल, हेडर फाइल एक और होगा, दैट विल बी हैश इंक्लूड stdlib.h, stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। ये हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, तो हम हर सी के प्रोग्राम में यूज करते हैं, आपको पता है, ठीक है? सी का कोई सा भी प्रोग्राम होगा हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इनपुट और आउटपुट तो करेंगे ही, प्रिंटर स्कैनर तो करना ही पड़ेगा। और ये stdlib क्यों यूज करते हैं, तो इसी के अंदर हमारा malloc फंक्शन होता है। अगर आपने पूरी कंटिन्यूअसली मेरी वीडियो फॉलो करी है तो आपको पता चला होगा कि लिंक लिस्ट में हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं, और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है रन टाइम में मेमोरी क्रिएट करना, और रन टाइम में मेमोरी को क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन को हम यूज करते हैं, वो होता है malloc फंक्शन। और malloc फंक्शन जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, stdlib.h के अंदर पाया जाता है। अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो दैट विल बी गोइंग टू गिव यू एरर, इसलिए हम stdlib हेडर फाइल को भी इंक्लूड करते हैं अपने कोड में। नाउ अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए जो हम कीवर्ड यूज करेंगे दैट विल बी स्ट्रक्ट कीवर्ड। सिंगल लिंक लिस्ट है, इसीलिए मान लीजिए नाम मैंने मान लिया एस लिस्ट। जरूरी नहीं है कि आप भी एस लिस्ट ही मानते, आप कोई सा भी नाम मान सकते थे, लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट है तो जैसा काम वैसा नाम आपने, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, एस लिस्ट। अब मैंने क्या बताया था कि आपको याद हो तो कम से कम मिनिमम दो सेक्शन होते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। नोड जो हमारा बनता है, हर नोड में मिनिमम दो सेक्शन होते हैं, एक डेटा का सेक्शन होता है और जो सेक्शन दूसरा होता है वो होता है नेक्स्ट का सेक्शन, राइट? डेटा का सेक्शन जो होता है वो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है? और ये वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। मान लीजिए हमने इसमें क्या डाल दिया, इंटीजर वैल्यू डाल दिया। जैसे मैं इंटीजर डाल सकता हूं, आप नाम डाल सकते हो, आप जो फ्लोट वैल्यू डाल सकते हो, या बहुत कुछ और भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और यहां नेक्स्ट में क्या होता है, अगले नोड का एड्रेस होता है ना, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो अगर एक ही यूनिट में हमें दो चीजें स्टोर करनी है या दो से अधिक चीजें स्टोर करनी है तो ऑब्वियसली हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का। तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रक्ट एस लिस्ट, यानी एस लिस्ट नाम है उसका। इसमें हमारे पास एक डेटा है इंटीजर टाइप का, विच इज इंटीजर टाइप का डेटा ले लिया, देखिए हमने एक इंटीजर टाइप का सेक्शन ले लिया डेटा। और ये दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अपने ही तरह के नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है।
अपने ही तरह के नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो पहली बात, अगर ये एड्रेस होता है इसका मतलब ये क्या होगा, पॉइंटर होगा, है ना। और अपने ही तरह का, तो खुद के तरह का, तो खुद के तरह का मतलब, खुद के तरह का मतलब क्या, स्ट्रक्ट एसलिस्ट टाइप का ही ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट एसलिस्ट टाइप का, यानी खुद के ही टाइप का एक नेक्स्ट का, यानी कि नेक्स्ट मतलब चूंकि ये अगले वाले नोड का एड्रेस रख रहा है इसलिए इसका नाम हम नेक्स्ट रख रहे हैं। बड़ा नाम आपकी मर्जी, आप नाम कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेटा इसलिए रखा क्योंकि डेटा है, हमने नेक्स्ट क्यों रखा क्योंकि ये अगले का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो है इसका नाम एस लिस्ट क्यों रखा क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है। तो ये क्यों हम नाम मिलता जुलता रखते हैं, इसका सिंगल एंड ओनली रीजन ये है कि इस तरीके के नाम रखने पे आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होता है किस कौन से नाम को किसके लिए यूज किया गया था, एंड दिस कम्स अंडर गुड प्रोग्रामिंग, राइट। अब ये हमारा यहां क्या हो गया, बंद हो गया, राइट। स्ट्रक्चर ओपन किया, स्ट्रक्चर को बंद कर दिया, और यहां पे ही हम इसका एक वेरिएबल मान लेते हैं स्टार्ट, स्टार्ट वेरिएबल मान के, और इसमें हम यहीं पे क्या डाल देते हैं, नल डाल देते हैं। नल को कैपिटल में ही लिखिएगा। तो यहां तक हमने क्या किया, हमने एक दो हेडर फाइल्स stdio.h और stdlib.h को इंपोर्ट किया, मतलब इंक्लूड किया, और एक स्ट्रक्चर बनाया एसलिस्ट टाइप का, उसमें डेटा भी डाल दिया और नेक्स्ट डाल दिया, यानी उसमें दो चीजें होंगी, एक डेटा सेक्शन होगा और एक नेक्स्ट सेक्शन होगा, और एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया। अब देखिए यहां पे आते हैं हम इसके एग्जीक्यूशन में, हमारे पास क्या बनाया, हमने स्टार्ट नाम का पॉइंटर बनाया। एग्जैक्टली क्या है, देखिए तो यहाँ स्टार लगाया ना, तो स्टार से क्या बनता है, पॉइंटर, पॉइंटर क्या रखता है, हमेशा एड्रेस रखता है या नल रखता है। पॉइंटर कैन कंटेन इधर एन एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल और इट कंटेन्स नल, ये दो चीजें रखता है। तो मैंने ये नल डाल दिया, मतलब इसमें कुछ नहीं है अभी, इट इज नथिंग, मतलब इसमें कुछ नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग, मतलब नल का मतलब होता है नो वैल्यू। तो पॉइंटर में नल जब हम डालते हैं इसका मतलब होता है ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी दिस स्टार्ट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी एड्रेस, दैट इज नल। नल का मतलब हमेशा ये होता है। नाउ हमने ये बना लिया, स्टार्ट से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सिंगल लिंक लिस्ट। अब हम क्या करते हैं, देखिए आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे ना, तो देख रहे हैं यहां पे पूरा लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट एसलिस्ट एस्ट्रिस्क नेक्स्ट, बार बार हमको हर जगह जहां जहां इसका वेरिएबल बनाना होगा ना इस स्ट्रक्चर का, हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट एसलिस्ट स्ट्रक्ट एसलिस्ट। तो बड़ा नाम लग रहा है ना, इसको छोटा कर देते हैं, यानी कि इसके नाम को हम चेंज कर देते हैं, और नाम को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइप डेफ। टाइप डेफ मतलब हम नाम चेंज कर रहे हैं, किसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट एसलिस्ट का नाम चेंज कर रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, नोड दे रहे हैं। मान लीजिए नाम हमने क्या दे दिया, नोड दे दिया, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि इस लिंक लिस्ट के जो भी आगे बॉक्सेस क्रिएट होंगे वो बॉक्सेस क्या होंगे, नोड कहलाएंगे, इसीलिए उसका नाम हमने क्या दे दिया, नोड दे दिया। मतलब अब जहां जहां आगे प्रोग्राम में हमें स्ट्रक्ट एस्टेस्ट लिखने की जरूरत थी, हम सिर्फ क्या लिख देंगे, नोड लिख देंगे। तो नोड ही मतलब जो हमारा स्ट्रक्ट एस्टेस्ट है वही किस नाम से जाना जा रहा है, नोड के नाम से जाना जा रहा है। यानी आगे इस कोड में आगे हम जितना भी कोड लिखेंगे, जहां जहां हमें स्ट्रक्ट एस्टेस्ट लिखना था वहां वहां हम नोड लिख सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्ड टाइप डेफ। इससे क्या हुआ, ये दो वर्ड के मतलब हम एक वर्ड लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब ये जो हमारा सिंगल लिस्ट का लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है वो किस लिए है, तो क्रिएट करने के लिए है, है ना, और डिस्प्ले करने के लिए। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एलिमेंट को, और फिर उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे। तो दो फंक्शन लिखना पड़ेगा हमें, एक फंक्शन हम लिखेंगे क्रिएट का, एक फंक्शन हम लिखेंगे किसका, डिस्प्ले का। तो अब फंक्शन लिखने के लिए, चलिए फंक्शन के लिए हम इधर वाला एरिया छोड़ देते हैं, हम इस साइड में आते हैं मेन पे। तो मेन में क्या होगा, तो मान लीजिए इंटीजर एक का मेन, और आप जानते हैं हमेशा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कहां से शुरू होता है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन सेक्शन से शुरू होता है। ये तो देखिए ये मैं पूरा लिख के आपको एक सीक्वेंस में आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं हर बार आगे पीछे इसलिए कर रहा हूं कि इतना आप समझ गए कि हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हम मेन पे आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम कोडिंग जो होती है हमारे यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल है वो मैंने मेन के ऊपर बनाया, ना ही ये किसी फंक्शन का पार्ट है, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्लोबल है, और ग्लोबल होने की वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसको आप कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। तो जो सिंगल लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम है ना बच्चा, देखो वो आप रिकर्सिव भी बना सकते हो और नॉन रिकर्सिव भी बना सकते हो, यानी रिकर्जन का भी यूज करके बना सकते हो और नन मतलब रिकर्जन का यूज नहीं करके भी बना सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है वो मैंने रिकर्जन को यूज नहीं किया है, आप अगर चाहते हो तो रिकर्जन रिकर्सिव प्रोग्राम भी बना सकते हो लिंक लिस्ट के लिए, वो कंप्लीटली आपकी मर्जी होती है,
लेकिन अभी ये पढ़ लो आप बिना रिकर्सन के, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में, आप कहोगे सर रिकर्सिव वाला ही बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। फिलहाल नॉर्मल प्रोग्राम देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं, इंटीजर टाइप का हम चॉइस लेते हैं, ठीक है, और चॉइस लेने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, प्रिंट एफ स्लैश एन वन माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन। तो ये एक तरह से एरो बन जाता है, माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन क्या बन जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, एरो। तो अब इसमें मैं क्या करता हूं, वन दबाइए, अगर आप क्या करना चाहते हैं लिंक लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट लिंक लिस्ट, ठीक है, यानी कि लिंक लिस्ट को आप क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, स्लैश एन, मेरे पास उस साइड जगह नहीं होगी इसलिए मैं वहीं से नीचे कर रहा हूं, आप ये बिल्कुल एक लाइन में लिखेंगे, दो दबाइए, किस लिए, डिस्प्ले लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट को क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले डिस्प्ले। अच्छा अब ये देखिए, ये अगर हम ऐसे करेंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि मुझे एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन की इनफाइनाइट लूप कैसे क्रिएट करते हैं, ये यहां नहीं लिखेंगे, अभी क्या करेंगे हम, यहां पे यहां आते ही हम एक लूप लगाएंगे, दैट विल बी व्हाइल और ट्रू। तो व्हाइल ट्रू का मतलब क्या हुआ, हमेशा जब तक ये ट्रू है। तो व्हाइल ट्रू का मतलब होता है कि जब तक, देखो यहां पे हम व्हाइल के बाद क्या लगाते थे, हमेशा कंडीशन लगाते थे, हमेशा व्हाइल के बाद हम यहां क्या लगाते थे, कंडीशन, राइट। तो ट्रू का मतलब क्या होता है कि जब तक सही है, हमेशा सही है, या इसको अगर आप किसी किसी हो सकता है, चलिए यहां पे लिख दीजिए व्हाइल वन, ये तो आप जानते होंगे, दिस इज द इजिएस्ट मेथड, व्हाइल वन। वन का मतलब क्या होता है, देखो जीरो का मतलब होता है फॉल्स, यू नो जीरो फॉर व्हाट, फॉल्स, वन फॉर व्हाट, ट्रू। तो व्हाइल वन यानी कि ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि यहां हमने ब्रैकेट में कोई कंडीशन दिया ही नहीं, मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू। और ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या होता है, ये लूप जो चलने वाली है वो हमेशा ही चलते रहेगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन हमें कुछ ऐसा थिक्रम लगाना होगा कि ये लूप क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, है ना। तो हमने यहां लिखा व्हाइल वन, यानी ये लूप इनफाइनाइट लूप हो गई, क्योंकि हमने यहां कोई कंडीशन ही नहीं दिया, और जब हमने कंडीशन नहीं दिया मतलब ये लूप हमेशा चलेगी, और हमेशा चलेगी तो हमेशा क्या प्रिंट करेगी, प्रिंट एफ स्लैश एन वन दबाओ क्रिएट करने के लिए लिस्ट को, यानी कि अगर आप लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हो, स्लैश एन दो दबाओ क्या करने के लिए, डिस्प्ले लिस्ट को, यानी कि लिंक लिस्ट को अगर आप क्या करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है, स्लैश एन तीन दबाओ एग्जिट करने के लिए। यानी ये लूप जो हमने बनाया है बच्चा, वो कौन सा लूप बनाया है, हमने इनफाइनाइट लूप बनाया है, तो ये लूप तो हमेशा ही चलता रहेगा। तो इस लूप को अगर हमें तोड़ना है तो हमने कहा तीन दबाओ एग्जिट करने के लिए, एंड फिर कहते हैं क्या, स्लैश एन एंटर योर चॉइस, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, इन तीनों में से कोई चॉइस क्या करो, हमें दो, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम कहां रीड कर लेंगे, स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट, किसमें रीड कर लेंगे, सी एच में रीड कर लेंगे, नॉट सी एच, व्हाट इज द वेरिएबल नेम, चॉइस, यहां पे हम क्या देंगे, एम परसेंट, हम इसको किसमें रीड कर लेंगे, चॉइस नाम के वेरिएबल में रीड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने प्रिंट किया स्क्रीन पे, भैया एक दबाओ अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, दो दबाओ अगर डिस्प्ले करना चाहते हो उस लिंक लिस्ट को, तीन दबाओ अगर एग्जिट करना चाहते हो, और चार दबाओ, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो चार दबाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, रॉन्ग चॉइस, यानी कि उसने जो चॉइस आपने जो दी है वो रॉन्ग है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहां देखिए क्या करेंगे हम, यहां पे इफ अगर चॉइस इक्वल टू व्हाट, वन, यानी चॉइस क्या है, वन है, ठीक है, यानी यहां देंगे हम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, स्विच से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इफ से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चॉइस वन है तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देंगे, बस दैट्स इट। यानी कि अगर चॉइस में यूजर ने वन दिया है, ऑब्वियसली वो नहीं लिस्ट को क्रिएट करना चाहता है, तो जैसे ही चॉइस में वन दिया, यहां पे हमने क्रिएट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब कोई भी फंक्शन कॉल होता है सीधे कहां जाता है, अपने डेफिनेशन पे, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है आपने, नहीं, तो यहीं पे तो जगह छोड़ा है हमने इसका डेफिनेशन लिखने के लिए। तो हम यहां क्या करते हैं, void create नाम का फंक्शन है और हमारे पास यहां कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग। अब देखिए एक तरीका यही था कि void create करके यहां सेमीकोलन दे देते तो इसका प्रोटोटाइप हो जाता और फिर इस मेन के नीचे उसको डिफाइन करते, लेकिन हम इसको यहीं पे क्रिएट कर दे रहे हैं और यहीं पे इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, सारा काम हम यहीं पे कर देंगे, इसीलिए हमें इसका प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो क्रिएट कर रहे हैं हम किसको, लिस्ट को। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से शुरू हुआ, एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना, व्हाइल वन यानी इनफाइनाइट लूप बना,
इस इनफाइनाइट लूप के अंदर हमने चॉइसेस डिस्प्ले किए कि एक दबाव क्रिएट करने के लिए, दो दबाव डिस्प्ले करने के लिए, तीन दबाव एग्जिट करने के लिए, बताओ क्या करना है। और जो भी चॉइस दिया यूजर ने उसको हमने चॉइस में रिटर्न लिया। और यहाँ चेक करते हैं अगर चॉइस वन है तो क्या करो, क्रिएट फंक्शन कॉल करो। तो मान लो यूजर ने वन दबाया था तो ये यहीं से कहां आएगा, अपने कॉलिंग प्लेस पे यहां आएगा। अब क्रिएट करना है, चलिए क्रिएट करना है मतलब यूजर ने रन टाइम में बोला कि उसे नया नोड क्रिएट करना है। तो अब यही देखो, ये जो स्ट्रक्ट एसपीएस का नाम हमने नोड कर दिया था, हम यहां क्या करेंगे, नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लेंगे टेम्पररी टीएमपी। ठीक है, तो टेम्पररी पॉइंटर बनाया और पॉइंटर बनाने के साथ साथ उसको उसके लिए मेमोरी एलोकेट भी कर दिया। अब मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है मैलॉक फंक्शन वाली तो उसमें मैंने बताया था क्या होगा यहाँ पे, नोड एस्ट्रिस्क। ठीक है, नोड एस्ट्रिस्क। अब अगर मैंने इसका नाम नोड नहीं किया होता तो मुझे यहाँ क्या लिखना होता बताइए, मुझे यहाँ लिखना होता स्ट्रक्ट एस लिस्ट स्टार, सोचिए कितना बड़ा हो जाता, इसलिए इसको नोड कर दिया। तो टेम्प मतलब मेमोरी बना रहे हैं, नोड एस्ट्रिस्क, फिर क्या लिखते हैं मैलॉक, ठीक है, और फिर यहां क्या लिखते हैं हम साइज ऑफ नोड। तो जहां जहां हम अभी नोड लिख पा रहे हैं ना उसकी वजह यह है कि हमने यहां पे स्ट्रक्ट एस्ट्रिस्क का नाम चेंज करके नोड कर दिया था, वरना यहां पे भी स्ट्रक्ट एस्ट्रिस्क लिखना पड़ता, यहां पे भी स्ट्रक्ट एस्ट्रिस्क लिखना पड़ता, दोनों जगह स्ट्रक्ट एस्ट्रिस्क लिखना पड़ता है। आगे बात समझ में, तो मतलब क्या हुआ, हमने एक नोड हमने एक मेमोरी बनाई, एक मेमोरी बनाई और वो मेमोरी किस टाइप की है, नोड टाइप की, नोड मतलब इस टाइप की। तो इस टाइप की एक मेमोरी में बनी जगह बन गई जी, ठीक है। अब चूंकि ये इस टाइप की बनी है, स्ट्रक्ट एस्लिस टाइप की बनी है, तो दो चीजें होंगी, एक डेटा होगा और एक नेक्स्ट होगा। तो चलिए डेटा को मैं डी से डिनोट करता हूं और नेक्स्ट को मैं एन से डिनोट करता हूं, हो गया। और जो भी एड्रेस पे ये बनेगा, मान लीजिए 100 वाले, ये किसके पास चला गया, टीएमपी के पास, टीएमपी किसको डिनोट कर रहा है, 100 को, और 100 पे ये मेमोरी बनी हुई है। यानी हमने मेमोरी बनाई और उस मेमोरी को नोड नाम के पॉइंटर में डाल दिया, क्योंकि मेमोरी भी नोड टाइप की थी इसीलिए पॉइंटर भी नोड टाइप का है। क्योंकि अगर मुझे इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है तो इंटीजर टाइप की ही मेमोरी चाहिए, ये तो रूल होता है। फ्लोट टाइप का अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर चाहिए, रूल होता है। तो अगर मैंने नोड के मेमोरी बनाई है, यानी कि इस नोड की मेमोरी बनाई है, तो मुझे इसी टाइप का पॉइंटर चाहिए था, तो मैंने वो ले लिया। अब एक चीज हमेशा जानिएगा, वो ये कि आप जो है कभी भी जो नोड बनाते हैं उसकी सारी कार्यवाही पहले आप करेंगे, यानी नया नोड जो बनेगा, ठीक है, उस नए नोड के बारे में जितना भी काम आपको करना है वो पहले करना है। तो चलिए, हमने क्या बताया था आपको, जब भी हम कोई भी नया नोड बनाएंगे उसके लास्ट में नल डाल देंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना कि यूजर अगला और नोड बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता, हम क्या जानते हैं। तो हम मान लेंगे यही मेरा पहला और आखिरी है, ठीक है, तो पहला और आखिरी मोहब्बत आपका यही है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लव, तो मतलब यही है और इसी में मैंने नल डाल दिया, मतलब इस वक्त खत्म, आगे का नहीं सोचना। तो हम यहां क्या करेंगे, टीएमपी माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन। नेक्स्ट में दो सेक्शन है ना इसका, टीएमपी का डेटा सेक्शन है, टीएमपी का नेक्स्ट सेक्शन है। तो डेटा को पूरा डेटा लिखा है मैंने, नेक्स्ट को पूरा नेक्स्ट लिखा है, वहां पे जगह कम है इसलिए डी और एन से डिनोट कर दिया है, वरना वहां पे मुझे डेटा और नेक्स्ट लिखना चाहिए था। तो टीएमपी के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। लीजिए भैया, ये हो गई आपकी आखिरी मोहब्बत, क्योंकि आपने कहा भैया मुझे इसके बाद कोई मिलेगा तो देखेंगे, अभी के टाइम में नहीं देखेंगे, अरे ना उसमें डेटा भी तो डालना है। तो क्या करेंगे, पूछेंगे यूजर से, क्या पूछेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर नंबर फॉर न्यू नोड, है ना, फॉर नोड लीजिए, यानी कि नोड के लिए भैया नंबर डालो, वैल्यू डालो, यहां वैल्यू पूछ सकते थे। और उसको कहां रीड कर लेंगे, स्कैन ऑफ परसेंट डी इंटीजर वैल्यू ने, देखिए मैंने इस डाटा को किस टाइप का बनाया है, इंटीजर टाइप का। और एम्परसेंट कहां रीड कर लेंगे, तो टीएमपी यानी कि टीएमपी का जो एड्रेस है उसमें जो एड्रेस है उसके डेटा सेक्शन में। तो एम्परसेंट टीएमपी के माइनस का साइन और नेक्स्ट का साइन, देखिए माइनस और नेक्स्ट का साइन को मैं टीएमपी का बोलता हूं, टीएमपी के किस सेक्शन में, डेटा वाले सेक्शन में, क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। तो डेटा आप देखिए, मैंने जब प्रिंट किया इंटर नंबर फॉर नोड, तो ऑब्वियसली मैसेज आएगा स्क्रीन पे कि इंटर नंबर फॉर नोड आएगा ना, और उसको हम कहां रीड कर लेंगे, टीएमपी के डेटा में रीड कर लेंगे। तो टीएमपी ये रहा, उसका डेटा सेक्शन ये रहा, मान लीजिए यूजर ने दिया 5, यहां 5 रीड कर लिया। तो क्या हमने नए नोड की सारी की सारी कार्यवाही कर ली, जी बिल्कुल, नए नोड की सारी कार्यवाही हमने कर ली। हमने मेमोरी बना लिया, हमने उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया, उसके डेटा वाले सेक्शन में जो भी डेटा यूजर ने दिया वो डेटा भी डाल दिया।
अब अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया है, जो स्टार्ट सेक्शन होता है, स्टार्ट सेक्शन हमेशा पहले वाले का एड्रेस रखता है, तो यानी कि स्टार्ट में 100 होना चाहिए, लेकिन ये अगर पहला नोड है तभी स्टार्ट में नल, मतलब स्टार्ट में जो है इसका एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर हम बनाएंगे तो क्या उसका भी एड्रेस उठा किसमें डाल देंगे, नहीं, क्योंकि स्टार्ट मतलब पहला नोड, तो यानी कि हम पहले चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट जो है वो नल है। अगर स्टार्ट नल है तो हम यहां क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम यहां कहेंगे भैया स्टार्ट के, स्टार्ट में, यानी सीधा हम कहेंगे स्टार्ट में क्या डाल दो, स्टार्ट इक्वल टू टीएमपी, यानी स्टार्ट में टीएमपी की वैल्यू डाल दो। तो स्टार्ट नल है क्या? हाँ जी भैया, स्टार्ट तो नल है, बिल्कुल है। तो कहता है स्टार्ट में टीएमपी डाल दो, तो स्टार्ट में टीएमपी मतलब स्टार्ट में टीएमपी में कितना है, टीएमपी में 100 है, याद रखिएगा टीएमपी में क्या है, 100 है, टीएमपी के डेटा में 5 है, टीएमपी के नेक्स्ट में नल है, लेकिन टीएमपी में 100 है, यानी यहां क्या डाल दो, 100 डाल दो, और जैसे ही हमने यहां 100 डाला ये क्या हो गया, इस नोड को पॉइंट करने लगा। अब एल्स में हम जाएंगे ही नहीं अभी, क्योंकि एल्स वाला कंडीशन तो मेरा सही नहीं हुआ ना, मेरा तो यही सही हो गया, स्टार्ट नल था तो हाँ नल था, तो स्टार्ट इक्वल टू टेम्प हो गया, हाँ जी हो गया, जब हो गया तो एल्स में जाएगा नहीं, बाकी काम हुआ ही नहीं। अब जब ये पूरा काम, देखो जब कोई फंक्शन कॉल होता है वो अपने डेफिनेशन पे जाता है, एक एक करके सारी चीजों को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करना यहाँ पे हो गया, अब एल्स वाले सेक्शन में जाएगा नहीं, और नीचे मैं इसको बंद कर दूंगा, लेट आई विल क्लोज दिस वन, मैं यहाँ बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एल्स में बाकी सारा चीज आने वाला है, तो स्टार्ट नल है, हाँ है, स्टार्ट में टाइम चला गया, हाँ जी चला गया, अब ये एल्स में गया नहीं, यहाँ बंद हो गया फंक्शन, तो जब कोई फंक्शन खत्म हो जाता है सीधे वहीं आता है जहां से उसको कॉल किया गया था, हो गया क्रिएट, हाँ जी। तो अब अगर क्रिएट कर लिया हमने तो आगे के जो कंडीशन है वो हम किस पे जोड़ेंगे, वो एल्स, एल्स से जोड़ेंगे, यानी एल्स इफ चॉइस इक्वल टू दो, तो नहीं भैया चॉइस तो दो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हुआ था तो क्रिएट कॉल हुआ गया एग्जीक्यूट करके वापस यहीं आया, एल्स इफ पे तो आएगा नहीं, अगर एल्स इफ चॉइस अगर क्या होता, दो होता, चॉइस अगर क्या होता, दो होता, तो क्या करते, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते, देखेंगे डिस्प्ले फंक्शन कब कॉल होगा, ठीक है। अब ये फिर एल्स इफ नहीं तो फिर चेक करेंगे, अगर चॉइस क्या है, तीन है, चॉइस इक्वल टू व्हाट, थ्री, यानी चॉइस थ्री से मतलब क्या, एग्जिट, तो एग्जिट करने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ाया गया है ना, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है लूप को, टर्मिनेट, यानी कि ये जो वाइल, यही तो है रामवान, यहां हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया कि ये वाइल वन, यानी हमेशा ट्रू, हमेशा ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप, लेकिन हमने यहां चॉइस में दे दिया था अगर एग्जिट करना है तो तीन दबाओ, और तीन दबाने के केस में हमने क्या कर दिया था, ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप टर्मिनेट, और अगर इनमें से कोई चॉइस नहीं है तो एल्स हम यहां क्या कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन रॉन्ग चॉइस, यानी कि एक दो तीन के अलावा कोई भी चॉइस आएगी तो हम क्या मैसेज दे देंगे, रॉन्ग चॉइस। ये वाइल शुरू हुआ, ये वाइल क्या हो गया, बंद हो गया, ये इंट मेन है, यहां पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और ये मेन शुरू हुआ था, मेन बंद हुआ। तो अभी जो हमने क्या किया, सिंपल, अगर हम मेन को अभी समझते हैं, फिर से एक बार मेन को समझते हैं, इंट मेन, इंट चॉइस, चॉइस नाम का वेरिएबल लिया, वाइल वन का मतलब हमने इसको इनफाइनाइट लूप बना दिया, हमेशा के लिए चलेगा, तो पहली बार जब के लिए जब चला तो हमने उसमें मैसेज दे दिया, अब इनफाइनाइट लूप बना दिया। हिंदू मैथोलॉजी में ब्रह्मा जी जब वरदान देते थे किसी भी असुर को तो क्या करते थे, अमृत नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ दे सकते हैं, तो बहुत सारे असुरों ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई ना कोई भगवान जी ने ऑप्शन ढूंढ लिया है ना, कि यहाँ इस तरीके से इसको मार दिया जाएगा, इस तरीके से इसको मार दिया जाएगा, तो हमने अमृत इसको यहाँ दे दिया, लेकिन कंडीशन लगा दिया क्या, कि भैया इसका अमृत तोड़ना है तो इसके रावण के नाभि में आपको क्या करना पड़ेगा, वान छोड़ना पड़ेगा, है ना, तीर लगानी पड़ेगी, तब उसका जो है मृत्यु होगा, है ना। तो उसी तरीके से तीन जो है वो एग्जिट के लिए, तो वन है तो क्रिएट था तो क्रिएट फंक्शन कॉल कर दिए, दो है तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिए, तीन है एग्जिट है तो एग्जिट फंक्शन को, एग्जिट के लिए क्या कर दिया हमने, ब्रेक को कॉल कर दिया, लूप टर्मिनेट, मर गया। और अगर इन एक दो तीन के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब 10 दबाया किसी ने, 5 दबाया, 4 दबाया, भैया एक दो तीन के लिए हम काम करेंगे, बाकी के लिए हमारे सब पास क्या मैसेज आएगा, रॉन्ग चॉइस। तो जब पहली बार के लिए जो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी वो क्या समझाई थी, पहली बार के लिए कि जब एक दबाया क्रिएट लिस्ट हुआ तो ऑब्वियसली चॉइस एक है, हाँ जी, तो चॉइस एक है तो क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, ये सीधे यहां से कहां गया, अपने डेफिनेशन पे गया, यहां आया, टेम्प बना था ना बच्चा, फिर मेमोरी एलोकेट हुई थी ना, और उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो टीएमपी में डाला गया था, डाल दिया गया, अब टीएमपी
कि नेक्स्ट में नल डाल दिया, यानी सबसे पहले नेक्स्ट में इसके नल डाल दिया, यानी पहला और आखिरी प्यार आपका यही बन गया खत्म। उसके बाद प्रिंट कर दिया एंटर नंबर और परसेंटी टीएमपी के डेटा में, यानी फिर इसका डेटा लिया। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा नया वाला जो नोड होगा उसका काम करेंगे, तो नया वाला नोड कर लेंगे, तो ये पूरा नया नोड है। तो इसका नेक्स्ट में नल डाल दिया और इसके डेटा सेक्शन में डेटा डाल दिया। अब एड्रेस के एडजस्टमेंट की बारी है। तो अगर ये पहला नोड है तो स्टार्ट के पास हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट नोड होना चाहिए। तो हमने चेक किया क्योंकि शुरू में हमने स्टार्ट में देखिए यहाँ खुद से नल डाला था, तो यहाँ पे नल था अभी थोड़ा देर पहले हमने समझाया था। तो स्टार्ट नल है, यदि नल है तो स्टार्ट में टेम्प डाल दिया, तो स्टार्ट में टेम्प इन टेम्प में 100 था, तो यहाँ 100 डाल के इससे कनेक्ट हो गया ये। अब एल्स में ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर इफ सही होता है तो एल्स में जाता है, नहीं जाता है। एल्स में हम क्या लिखेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो एल्स वाले सेक्शन में गया ही नहीं, तो सीधे ये वापस लौट गए। जब कोई फंक्शन कॉल होता है अपने डेफिनेशन में जाता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करता है और वापस लौट के वहीं आता है। अब जब इफ सही हो गया है तो आप जानते हैं ना, अगर इफ सही हो गया तो एलिफ एलिफ सॉरी एलसीफ 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 में जाएगा, नहीं जाएगा, फिर ये यहां सीधे यहां आएगा, यानी यहां जो वाइल शुरू हुआ था वो यहां आया। अब ये वाइल लूप है तो लूप की प्रॉपर्टी होती है फिर से ऊपर जाता है, यही होती है लूप की प्रॉपर्टी, फिर से ऊपर गया। वाइल वन, वन तो ऑलवेज वन है, ट्रू तो हमेशा ट्रू है, फिर एंट्री किया, फिर पूछेगा वन दवाई क्रिएट करना है, दो दवाई डिस्प्ले करना है, तीन दवाई एग्जिट करना है, चार चार के लिए ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने कहा वन, वन मतलब वो आप क्या करना चाहते हो, लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हो, और जब आप लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हो तो फिर आप वन दबाओगे, मान लो और एलिमेंट दबा, आपको एंट्री करनी है, एक ही थोड़ा ना करनी होगी, और भी एंट्री करनी होगी। तो वन दबाया, हाँ जी वन है, तो क्रिएट फंक्शन, फिर से फंक्शन कॉल हुआ। अब जब ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ, फिर से एक नोड नाम का टीएमपी बनेगा। तो अब क्या हुआ, एक टीएमपी बनेगा, तो यहां से ये टीएमपी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, आप ए इक्वल टू पहले पांच लिखते हो तो ए में पांच आ जाता है, अगले लाइन में इक्वल टू दस लिखते हो तो ये खत्म हो जाता है ना, ये आ जाता है ना, इसकी वैलिडिटी हो जाती है ना। तो उसी तरीके से अब आप क्या कर रहे हो, फिर से एक टेम्प बनाए और एक नया मेमोरी एलोकेट किए, और वो भी नया मेमोरी जो है वो किस टाइप का होगा, तो ये भी नया मेमोरी जो है वो एसलिस्ट टाइप का ही होगा। तो ये हो गया मेरा नया मेमोरी, इसमें भी दो सेक्शन, एक डेटा सेक्शन और एक नेक्स्ट सेक्शन। और मान लो ये 200 पे बना, तो ये 200 किसके पास चला गया, टीएमपी के पास चला गया। क्यों चला गया 200 टीएमपी के पास बताओ, क्योंकि मैंने ये मेमोरी बनाई और इक्वल टू टीएमपी कर दिया, यानी जो भी मेमोरी यहां बनी वो कहां चली जाएगी, वो टीएमपी में चली जाएगी। तो जो भी मेमोरी बनी, मान लीजिए 200 वाले में बनी, देखिए 100 और 200 मेमोरी का एड्रेस नहीं होता है, ये समझने के लिए, मेमोरी में जो एड्रेसेस बनती है हेक्साडेसिमल नंबर्स में बनती है, वो छोड़ दीजिए, यहां पे 100 200 मान लीजिए आसान होता है समझने में। तो जो भी बना एड्रेस वो कहां चला गया, टीएमपी में चला गया। अब सारी कार्यवाही पहले वाले मतलब नए वाले नोड के साथ होती है, सारी कार्यवाही होती है नए वाले नोड के साथ। देखिए मैंने क्या लिखा, टीएमपी के नेक्स्ट में नल डाल दो, चलो भैया मैंने ये नल डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद एंटर नंबर फॉर नोड, यानी ये जो न्यू नोड है यहाँ पे, अगर आप मैसेज चाहें तो अच्छा कर सकते हैं एंटर नंबर फॉर न्यू नोड, और फिर उसको परसेंटेज इंटीजर वैल्यू टीएमपी के डेटा में, मान लीजिए यूजर ने 10 दिया, कुछ भी दे सकता है यूजर, ले दिया। अब यहाँ पे 10 आने के बाद यहाँ क्या चेक करते हैं कि क्या स्टार्ट में नल है, क्या स्टार्ट में कितना है 100 नल है। तो ये सेकंड केस है, यानी कि जब ऑलरेडी एक नोड बन चुका है और एड्रेस में हमने फर्स्ट का एड्रेस डाल दिया है स्टार्ट में, तो अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है। आने वाले हर नोड के लिए दो नोड के बीच में कनेक्शन करना होगा, सिर्फ पहला नोड के केस में हम स्टार्ट के साथ क्या करते हैं, कनेक्शन कराते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अब देखिए क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए यहां पे। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारे पास स्टार्ट हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट इज ऑलवेज व्हाट, स्टार्ट इज ऑलवेज ग्लोबल, तो ग्लोबल कहीं भी अवेलेबल है, स्टार्ट है ना हमारे पास अवेलेबल, देखिए स्टार्ट में 100 है ना, है कि नहीं 100। तो अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का तरीका होगा कि हम लिखेंगे क्या, नोड टाइप का यहां पे एक और ले लेंगे टीएमपी वन कॉमा स्टार टीएमपी वन, ध्यान समझिएगा यही सबसे क्रूशियल पार्ट है, और यहां ध्यान समझिएगा ठीक है, यानी कि स्टार्ट नल है क्या, नहीं भैया स्टार्ट नल नहीं है। तो हमने जो यार टीएमपी वन लिया था, अब ये आएगा एक्टिव होगा, अब मेरा काम आया है ठीक है, अब इसका काम आया, क्या आएगा, तो हम कहेंगे क्या टीएमपी वन बना लिया, एल्स में जाके हम कहेंगे भैया टीएमपी वन को वहीं पे सेट कर दो जहां पे स्टार्ट है ठीक है। तो टीएमपी वन को कहां पे सेट कर दिया, जहां पे स्टार्ट है, तो स्टार्ट के पास 100 है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं टीएमपी वन यहां पे आ गया, टीएमपी है ये टीएमपी है, टेम्पररी के लिए टीएमपी लिया है, और ये टीएमपी वन यहां पे आ गया, क्योंकि हमने देखिए ये लाइन लिखा ना,
कि टीएमपी वन इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि टीएमपी वन में स्टार्ट डाल दो, तो स्टार्ट में 100 है तो टीएमपी वन 100 को पॉइंट करने लगा, पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा। ठीक है, नाउ अब हम यहां क्या करेंगे, देखिए हम यहां कहते हैं कि जब हम एक लूप लगाते हैं, जब तक कि टीएमपी का टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, एक लूप लगाते हैं, क्या लूप लगाएंगे, व्हाइल जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, नल है ये तो चल लूप चलेगा ही नहीं, ठीक कोई बात नहीं, तो अगर नहीं होता नल तो हम ये करते, क्या करते, टीएमपी वन इक्वल टू टीएमपी वन का नेक्स्ट। अब ये कब करेंगे, ये इसके बाद वाला नोड बनेगा उसमें देख लेंगे, फिलहाल देखिए ये दो लाइन चलेगा। अब देखिए इस वाइल के साथ सिर्फ ये एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं किया, इस इफ के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट एसोसिएटेड है इसलिए मैंने कोई कर्ली ब्रेसेस ऑन और ऑफ नहीं किया, लेकिन इस एल्स के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट है इसलिए मुझे इस एल्स को ओपन करके क्लोज करना पड़ा। फिर से देखिए, क्या स्टार्ट नल है, नहीं भैया 100 है, तो कहता है टीएमपी वन में क्या डाल दो, स्टार्ट डाल दो, यानी टीएमपी वन को वहीं पे सेट कर दो जो स्टार्ट में है, यानी कि 100 डाल दिया। अब हम कहते हैं जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, तो जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, नल है तो ये चलेगा ही नहीं लूप, क्योंकि पहली बार में ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये जो कंडीशन हमारा कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टीएमपी वन का नेक्स्ट नॉट इक्वल, पहले भी फेल, पहले बारी में ही फेल, तो कोई बात नहीं आगे देखेंगे इसको क्यों लगाया था। अब जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो यानी इस वाइल के साथ सिर्फ ये कनेक्टेड है, ये इंडिपेंडेंट है जो अब लिखने जा रहा हूं, इसमें क्या लिखना होगा मुझे, टीएमपी अपनी जगह पहुंच गया तो इसके नेक्स्ट में मुझे इसी का एड्रेस डालना है ना, यानी कि टीएमपी वन के नेक्स्ट में टीएमपी डाल दो, तो हम यहां क्या लिखेंगे, टीएमपी वन के नेक्स्ट में टीएमपी डाल दो, तो टीएमपी वन ये रहा, इसका नेक्स्ट ये रहा, यहां पे क्या डाल दो, टीएमपी डाल दो, टीएमपी में कितना है भैया, टीएमपी में 200 है, यहां 200 डाल दिया, देखिए तो कनेक्ट हो गया, क्या बात है, हाँ जी सर बिल्कुल कनेक्ट हो गया। अब यहां से ये एल्स बंद हो गया, ये फंक्शन बंद हो गया, फिर यहां से लौट के यहां आएगा। अब जब च्वाइस एक हो गया तो एलसीफ एलसीफ में तो तब जाता है जब ऊपर वाला गलत होता है, ये सीधे बंद, तो जब वाइल बंद हुआ फिर से ये ऊपर गया, वाइल की प्रॉपर्टी जब तक कंडीशन ट्रू है घूमते रहेगा क्योंकि लूप है ये। वाइल वन, मैंने तो इसका अमरता का वरदान दे दिया है ना, हम लोगों ने इसको अमरता का वरदान दे दिया, अमर हो गए, लेकिन इसका मौत आएगा, अभी आएगा सदे में आएगा। अब फिर से जैसे ही आप वाइल वन में एंट्री किए, आप कहते हैं एक दबाइए लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, दो दबाइए डिस्प्ले के लिए, मान लीजिए यूजर ने इस बार फिर वन दबाया, यानी वो फिर क्रिएट करना चाहता है लिस्ट को, मना थोड़ी ना कर सकते हैं, तो चॉइस वन है, हाँ जी क्रिएट फंक्शन कॉल करेगा, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, कहां जाएगा अपने डेफिनेशन सेक्शन पे जहां आपने उसको डिफाइन किया है, क्या होगा यहां पे, नोड टाइप का एक टीएमपी बनेगा और टीएमपी वन बनेगा, बना मान लीजिए हटाइए, अब जो नया फिर से एक नया मतलब नई मेमोरी बनाई जाएगी, तो फिर से एक नई मेमोरी बनी, मान लीजिए ये नई मेमोरी बनी, ये डेटा सेक्शन हो गया और ये नेक्स्ट सेक्शन हो गया, बन गई बन गई, बनने के बाद जहां पे भी बनी, मान लीजिए 300 बनी, ठीक है जहां पे भी बनी उसको टीएमपी वन, उसका एड्रेस टीएमपी में डाल दीजिए, तो टीएमपी पुराना जो भी कंटेंट करता था खत्म हो गया, अब जो नया है वो कंटेंट करने लगा टीएमपी, सही बात है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आप करेंगे नए वाले नोड को पहले एडजस्ट करेंगे, सारी चीजें इसकी पहले सेट करेंगे, तो हमने क्या करा, टीएमपी के नेक्स्ट में नल डाल दिया, हाँ जी भैया टीएमपी के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, हमने नल डाल दिया, प्रिंट एफ इंटर नंबर फॉर न्यू नोड, और जो भी था टीएमपी के डेटा में रीड कर लिया, मान लीजिए यहां पर यूजर ने 15 डाला, यहां हमने 15 रीड कर लिया। अब कहते हैं स्टार्ट नल है, क्या स्टार्ट नल है, नहीं है, 100 है, स्टार्ट नल है ही नहीं, तो नहीं है तो कहां के एल्स में गया। अब क्या करता है, टीएमपी वन इक्वल टू स्टार्ट, यानी टीएमपी वन में स्टार्ट डाल दो, तो चलिए पहले से यहीं पे था, लेकिन फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि यानी कि हम कहते हैं टीएमपी वन इक्वल टू स्टार्ट, मतलब टीएमपी वन के पास वही चला गया जो स्टार्ट में है, चला गया। अब ये लूप क्या लगा था, अब ये लूप पता चलेगा क्यों लगा था, जब तक मैं इस टीएमपी वन को यहां लेके नहीं आऊंगा, इसके नेक्स्ट में कैसे टीएमपी को डालूंगा, नहीं डाल सकता ना, तो इसीलिए ये लूप लगाया। अब देखिए क्या लूप लगाया, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है ना, तो टीएमपी वन ये रहा, इसका नेक्स्ट नल नहीं है, नहीं है नल, 200 है,
नल है क्या? नहीं है ना? हाँ बिल्कुल सही, नल नहीं है जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है। तो यस, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, तो जब नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, टीएमपी वन इक्वल टू टीएमपी वन का नेक्स्ट, यानी कि टीएमपी वन में उसका नेक्स्ट वैल्यू डाल दो, या यू कहिए इसको, हम ऐसे कह सकते हैं कि टीएमपी को अगले नेक्स्ट पे लेके चले जाओ, तो टीएमपी को टीएमपी का नेक्स्ट यानी कि 200 आ जाएगा टीएमपी में। तो जब टीएमपी वन में, सॉरी टीएमपी वन में जब क्या आ गया, 200 आ गया, तो टीएमपी वन यहां आ गया। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, टीएमपी वन को टीएमपी वन के नेक्स्ट पे सेट कर दो, तो टीएमपी वन अभी यहां पे था, इसके नेक्स्ट पे सेट कर देंगे, यहां से सेट कर दिया, इसका मतलब होता है एक से आगे बढ़ा दो, ऐसे भी समझ सकते हैं, या अगले का एड्रेस टीएमपी वन में डाल दो, तो अगले का एड्रेस टीएमपी वन में डालोगे तो टीएमपी वन यहां पहुंच गया। अब ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, हाँ जी जाएगा। टीएमपी वन का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, नल है तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। जब ये लूप टर्मिनेट हो गया तो कहता है टीएमपी वन के नेक्स्ट में टीएमपी डाल दो, तो टीएमपी वन के नेक्स्ट में यहां पे क्या डालने के लिए कह रहा है, टीएमपी डालने के लिए कह रहा है, यानी क्या डाल दो, यहां 300 डाल दो, डाल दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब ये खत्म, हाँ जी खत्म। तो कोई भी फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके फिर से वही जाता है जहां से उसको कॉल किया गया था, ये रहा है ना। अब एलसी टू एलसी को जाएगा नहीं, फिर से ही ऊपर जाएगा, वाइल वन, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप चलेगा, फिर से चलेगा, फिर से पूछेगा क्रिएट लिस्ट, एक दवाई अगर लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, दो दवाई अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तीन दवाई अगर एग्जिट करना चाहते हैं, और इंटरव्यू चॉइस, जो भी चॉइस है, मान ली फिर से यूजर ने वन डाला, अब ये लास्ट कर देते हैं, ठीक है, मान ली यूजर ने फिर से वन डाला, तो क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ, फिर से यहां गया, यहां से गया तो टीएमपी बनाया, टीएमपी वन बनाया, छोड़ दीजिए, एक नई मेमोरी क्रिएट होगी और उसका एड्रेस टीएमपी के पास चला जाएगा, इधर शायद नहीं आएगा तो मैं नीचे बना लेता हूं, ठीक है। ये डेटा सेक्शन और ये नेक्स्ट सेक्शन, मान लीजिए ये 400 वाला एड्रेस बना, तो टीएमपी जो बनने के बाद वो टीएमपी पे आ गया, अब जो बना ना वो नया वाला एड्रेस के साथ असाइन हो गया, तो टीएमपी यहां आ गया। गॉट इट? नाउ मैंने क्या बताया था, हमेशा नए वाले मेमोरी एड्रेस का काम हम सबसे पहले करते हैं इसका, तो इसके नेक्स्ट में नल डालेंगे ना, तो हाँ जी हम यहां क्या करेंगे, टीएमपी के नेक्स्ट में नल डाल देंगे, तो यहां क्या आ गया, नल आ गया। अब एंटर नंबर फॉर न्यू नोड, और जो भी है टीएमपी के डेटा में रीड कर लेंगे, मान लीजिए 20, अब आप ये मत कहिएगा 5, 10, 15 भी सिक्वेंसियली होने चाहिए, कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहां पे मैंने बस सिक्वेंस मान लिया। अब भाई उसको आप क्या चेक करता है कि स्टार्ट नल है क्या, हाजी भैया कहां है स्टार्ट, किधर किधर, यहां स्टार्ट नल है क्या, ना यानी ये पहला नोड नहीं है तो ये होगा ही नहीं, एल्स में आएगा, फिर से टीएमपी वन जहां कहीं भी था उसको स्टार्ट पे सेट कर देगा। अब टीएमपी वन कहीं भी था, भैया हटो यहां से और कहां पे आ जाओ, स्टार्ट पे आ जाओ, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे तो टीएमपी वन आएगा ना, टीएमपी वन को कहां ले आओ, स्टार्ट पे ले आओ, तो टीएमपी वन यहां पे आ गया फर्स्ट क्लास। अब कहता है फिर से, अब मैं यहां पे इसको इससे कनेक्ट करना है, तो यहां इस टीएमपी वन को यहां लाना होगा ना, इस टीएमपी वन को उठाकर यहां लाना होगा, तब तो उसके नेक्स्ट में हम यहां डाल पाएंगे, जबकि अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, फर्स्ट का ही एड्रेस है, इसलिए मैं यहीं पे सेट कर सकता हूं, लेकिन मुझे इससे भगा भगा के वहां तक ले जाना है, तो इसलिए तो ये लूप लगाया है, जब तक कि टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, यानी कि चेक कीजिए कि क्या, जब तक टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है ना, तो टीएमपी वन ये रहा, उसका नेक्स्ट नल नहीं है, नहीं है तो टीएमपी वन इक्वल टू टीएमपी वन का नेक्स्ट, यानी टीएमपी वन को उसके नेक्स्ट पे सेट कर दो, यहां से हटा दो भैया, नेक्स्ट पे सेट कर दो, कर दिया, ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है ना, तो टीएमपी वन का नेक्स्ट नल है नहीं, 300 नल नहीं है, नहीं है तो फिर से उसको एक और आगे बढ़ा दो, चलो भैया यहां से भी उसको आगे बढ़ा के यहां पे क्या कर दिया, टीएमपी वन कर दिया। अब क्या है, फिर से ऊपर गया, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है क्या, टीएमपी वन का नेक्स्ट नल नहीं है, नहीं भैया टीएमपी वन का नेक्स्ट नल है, तो जब नल है तो लूप क्या हो गया, ये टर्मिनेट। उसके बाद अब हम कनेक्ट कर सकते हैं कैसे, तो टीएमपी वन के नेक्स्ट में हमने टीएमपी डाल दिया, तो टीएमपी वन ये रहा इसके नेक्स्ट, मतलब यहां पे हमने क्या किया, टीएमपी डाल दिया, क्या डाल दिया, 400 डाल दिया, तो यहां क्या डाल गया, 400, और जैसे ये 400 डाला ये किससे कनेक्ट हो गया, सांप सीधे खेल जानते हैं ना, उधर जगह नहीं थी तो कनेक्ट हो गया। गॉट इट? फिर यहां से ये बंद हुआ, यहां ऊपर आया, इफ सही था तो एलसी फेलसी में जाएगा नहीं, ये फिर से ऊपर गया, वाइल वन तो अभी भी वन है, वन इनफाइनाइट लूप, एंट्री किया वन फॉर क्रिएट लिस्ट, टू फॉर डिस्प्ले लिस्ट, तो आप देख रहे हैं जब जब आप वन दबाएंगे अंदर आएगा, यहाँ पे नोड बनेगा, वैल्यू मिलेगी, एड्रेसेस को आपस में चेक करके सही किया जाएगा और कनेक्शन कर दिया जाएगा, ताकि एक लिस्ट दूसरे से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो इसी को तो कहते हैं लिंक्ड लिस्ट,
यानी वैसी लिस्ट जो आपस में लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए वन नहीं दबाएगा, अब टू दबाएगा, तो टू दबाएगा तो हमने क्या किया, अगर चॉइस टू है मतलब चॉइस वन है नहीं चॉइस टू है, हाँ जी डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा। तो जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेगा तो मान लीजिए इसका डेफिनेशन कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, ये यहां लिखते हैं, ठीक है। वॉइड फंक्शन का नाम क्या हो गया, मान लीजिए फंक्शन का नाम हो गया डिस्प्ले फंक्शन, यानी हम कुछ शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं भैया, ऑब्वियस सी बात है हम जो शो करेंगे वो हमारा लिंक लिस्ट है, और क्या ही शो कर देंगे। तो हम यहां देखिए स्टार्ट को हम कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्ट हमारा हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। स्टार्ट के को हम क्यों नहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि स्टार्ट के पास हमेशा हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, और अगर हम स्टार्ट को ही खो देंगे पहले नोड के एड्रेस के बाद आपको दूसरा मिल जाएगा, दूसरे बार तीसरा मिल जाएगा, तीसरे बार चौथा मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टार्ट खराब हो गया, स्टार्ट को आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टार्ट ने अपने पोजीशन को लॉस कर दिया, तो पूरा लिंक लिस्ट छूट जाएगा, पता नहीं चलेगा पहला एड्रेस कौन सा, पता चलेगा नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट को कभी हम छेड़ेंगे नहीं। हाँ, स्टार्ट की जगह पे किसी और वेरिएबल को रखे, जैसे बार बार हम देखिए स्टार्ट की जगह पे टीएमपी वन को रख के टीएमपी वन को आगे बढ़ा के काम कर ले रहे थे, स्टार्ट को हम नहीं छेड़ते हैं। तो यहां पर हम फिर से नोड टाइप को क्या बनाएंगे, एस्ट्रिस्क टीएमपी बना लेते हैं मान लीजिए, और यहीं पे टीएमपी में हम क्या डाल देंगे, टीएमपी इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि टीएमपी को कहां पे सेट कर दो, तो स्टार्ट पे सेट कर दो। तो लीजिए टीएमपी में क्या आ गया, 100, और आप जानते हैं हर एक फंक्शन के अंदर बनाया हुआ वेरिएबल अलग अलग होता है। इस फंक्शन के अंदर टीएमपी और टीएमपी वन अलग रूप थे, अलग थे, यहां पर टीएमपी बिल्कुल अलग है, ये क्या है टीएमपी, है ना। तो यहां पर जो पहले से था वो सबका सिग्निफिकेंस खत्म, क्योंकि ये जुड़ा तो रहेगा ही क्योंकि वैल्यू में डाला हुआ है, लेकिन सारे का सिग्निफिकेंस खत्म क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल होता है वो जब तक वो फंक्शन चल रहा होता है तभी तक वैलिड होता है, उस फंक्शन से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू नल एंड वॉइड हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम यहां चेक कर लेंगे कि अगर स्टार्ट सॉरी नॉट स्टार्ट यहां पर क्या लिखेंगे, अगर टेम्प नल है, ये भी तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना, इफ अगर TMP इक्वल टू व्हाट नल, यानी TMP अगर नल है तो नल का मतलब क्या हुआ, प्रिंट एफ एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट, यानी लिस्ट क्या है एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने पहली बार में ही दो दबा देता, कोई पहली बार में ही दो दबा दिया था, तो दो दबा दिया मतलब डिस्प्ले करना चाहता था, कहां से डिस्प्ले करोगे, क्योंकि शुरू में ही हमने जो स्टार्ट बनाया था उसमें नल डाला था, तो यानी कि अगर पहली बार में ही कोई जब लूप चला तभी डिस्प्ले करने के लिए बोला, तो हमारे स्टार्ट में उस समय क्या होता, नल होता, होता ना नल। तो जब स्टार्ट उस समय नल होता तो भैया वो क्या बोल देता, उसको जब हम टीएमपी पे सेट करते तो टीएमपी में भी नल ही होता, तो अगर टीएमपी नल है तो हम कर देंगे एमपीटी, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएंगे, है ना, और एल्स में क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, ये टाइप एफ स्ट्रक इसलिए थोड़ा छोटा करता हूं ताकि हमारे जगह बन जाए, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूं, छोटा छोटा लिख देता हूं टाइप डेफ, यहां लिखता हूं स्ट्रक्ट एस लिस्ट, और इसको हम क्या बना देंगे नोड, यानी इसका नाम हमने चेंज कर दिया ताकि इसके लिए जगह मिल जाए हमारे पास, ठीक है। अब आइए देखिए जगह मिल गई थी इतनी सारी जगह, क्या करें बोर्ड छोटी है लेकिन लिखना तो पड़ेगा इसमें सारा, शायद मैंने शुरू से ही थोड़ा सा बड़ा लिया, कोई बात नहीं है बिल्कुल थोड़ा सा इलेबोरेट कर लोगे जूम कर लोगे समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छा। अब अगर टीएमपी नल होता तो मतलब एम्प्टी लिस्ट है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहां क्या लिखेंगे, व्हाइल जब तक कि टीएमपी इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि टीएमपी कहां नहीं पहुंच जाता है, नल तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी कॉमा टीएमपी के किस सेक्शन को, टीएमपी के डेटा वाले सेक्शन को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और हर बार टीएमपी को एक से बढ़ाएंगे, टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, एंड दैट्स इट, ये हो गया एल्स क्लोज और ये हो गया डिस्प्ले क्लोज। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, स्टार्ट इफ टीएमपी इक्वल टू नल, टीएमपी क्या नल है, नहीं भैया टीएमपी में तो 100 है, नल नहीं है, नहीं है तो फिर कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। कहता है जब तक कि टीएमपी नल नहीं है, टीएमपी नल है क्या, तो देखो टीएमपी की बात हम करें तो 100, अगर हम टीएमपी के नेक्स्ट की बात करते तो वो 200 होता, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टीएमपी की बात कर रहे हैं, टीएमपी कितने पे है, 100 पे है, तो टीएमपी नल है, टीएमपी नल नहीं है ना, नहीं नल नहीं है वो 100 है, नल नहीं है ये सही है। तो कहता है प्रिंट कर दो टीएमपी के डेटा को, तो टीएमपी के डेटा को प्रिंट करेगा तो टीएमपी 100 है, तो 100 × 5, तो अगर ये मेरा आउटपुट सेक्शन है तो आउटपुट सेक्शन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। उसके बाद ये लूप में कर्ली ब्रेसेस यहां ऑन है और यहां क्लोज है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी लूप के अंदर है, ये स्टेटमेंट भी लूप के अंदर है।
कहता है टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, यानी टीएमपी को उठा के उसके नेक्स्ट में डाल दो, तो टीएमपी में उसके नेक्स्ट का एड्रेस डाल दो, तो नेक्स्ट एड्रेस 200 है, तो यहाँ अरे ये रो दिया क्या, बहुत ज्यादा रो दिया ये तो 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ टीएमपी आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लूप है तो ये यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, टीएमपी नॉट इक्वल टू नल, टीएमपी नल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, 200 इज नॉट नल, परफेक्ट। तो अगर नल नहीं है तो फिर से परसेंटेज टीएमपी का डेटा प्रिंट कर दो, टीएमपी का डेटा 10 प्रिंट कर दिया, टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट कर दो, तो टीएमपी को उसके नेक्स्ट वाला एड्रेस दे दो, तो टीएमपी को 300 दे दो, टीएमपी यहां से कहां आ गया, यहां आ गया 300 पे आ गया। अब ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से चेक करेगा, टीएमपी नॉट इक्वल टू नल, टीएमपी में कितना है 300 है, नल नहीं है ना, ना ना नल नहीं है, तो फिर से परसेंटी इंटीजर प्रिंट कर दो डेटा को उसके, तो टीएमपी के डेटा को यानी 15 क्या कर दो प्रिंट कर दो, कर दिया। और फिर से टीएमपी को एक से बढ़ा दो, तो टीएमपी को एक नेक्स्ट डाल दो, तो स्टेटमेंट क्या है, टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, तो टीएमपी को नेक्स्ट से इनिशियलाइज कर दो, यानी टीएमपी में उसका नेक्स्ट डाल दो, तो 400 डाल दो, तो टीएमपी यहां आ गया। फिर से चेक किया, ऊपर जाएगा ये, है ना, टीएमपी नॉट इक्वल टू नल, टीएमपी नल नहीं है ना, नहीं भैया टीएमपी नल नहीं है, ध्यान रखना टीएमपी अभी 400 है, इसलिए ये नल नहीं है, टीएमपी का नेक्स्ट नल है, ये ध्यान रखना। तो अभी हम यहां क्या चेक कर रहे हैं कि टीएमपी नॉट इक्वल टू नल ना, तो टीएमपी नल नहीं है ना, नहीं नहीं है, तो क्या करेगा, फिर से एंट्री लेगा परसेंट डी इंटीजर डेटा, टीएमपी के डेटा को प्रिंट कर देगा, तो टीएमपी का डेटा मतलब 20 को क्या कर दिया इसने, प्रिंट कर दिया। फिर टीएमपी इक्वल टू टीएमपी का नेक्स्ट, यानी टीएमपी में क्या डाल दो, उसका नेक्स्ट डाल दो, तो टीएमपी में उसका नेक्स्ट डालेंगे तो टीएमपी अब किसको पॉइंट करने लगेगा, नल को। और जब अब ये ऊपर जाएगा टीएमपी नॉट इक्वल टू नल, टीएमपी नल नहीं है, नहीं भैया टीएमपी तो नल है, तो यहां से लेके यहां तक का लूप टर्मिनेट और ये फंक्शन भी टर्मिनेट, यहां से लौट के फिर वहीं आया जहां से कॉल होता है, एलसीएफ में आगे जाएगा नहीं, फिर से ऊपर जाएगा, वाइल वन तो वन ही है। अब आप चाहो तो वन दबा सकते हो, क्रिएट करना है तो फिर से एक नया नोट बन के फिर से सारे काम होंगे, चाहो तो दो दबा सकते हो डिस्प्ले, मान लो आपने क्या दबाया, तीन, चॉइस में तीन, तो क्या चॉइस तीन है, जी बिल्कुल है, ब्रेक। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, लूप टर्मिनेट, इंट था इसलिए रिटर्न जीरो, प्रोग्राम टर्मिनेट सक्सेसफुली, और ये मेन शुरू हुआ और ये मेन बंद हो गया, प्रोग्राम कंप्लीटेड। और अगर 10 डालते चॉइस में, मान लो 5 डालते, दो एक दो तीन डालते तो ठीक है, लेकिन 4 डालते तो क्या होता है, चॉइस 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, तो एल्स में चला जाता, रॉन्ग चॉइस प्रिंट करके फिर से शुरू हो जाता, फिर से आपको दिखाता है एक दवाई, दो दवाई, तीन दवाई, एंटर योर चॉइस, फिर आपको कुछ दबाना होता कुछ ना कुछ मीनिंगफुल, यानी 1, 2, 3 के अलावा कुछ भी दबाएंगे रॉन्ग चॉइस प्रिंट करके फिर से लूप चल जाएगा, और 3 दबाते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो अब इस प्रोग्राम का फ्लो है, अगर आप प्रोग्राम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये प्रोग्राम यहां से लिखना शुरू करेंगे, ये पूरा लिखेंगे, फंक्शन वंक्शन सब यहां तक लिखेंगे, यहां लिखने के बाद फिर इस फंक्शन को लिखेंगे, डिस्प्ले वाले फंक्शन को लिखेंगे, है ना, डिस्प्ले वाला फंक्शन जब खत्म होगा यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ मेन लिखना शुरू करेंगे, और यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे, मेन को लिखेंगे, यानी पहले ही हमने पूरा फंक्शन निपटा दिया और उसके बाद हमने क्या किया, आपने मेन को लिखा। सो मैं हट जाता हूँ, बच्चे कहते सर हट जाए, कीजिए प्रोग्राम को। तो ये एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है, न्यू है ये, अगर आपकी स्ट्रांग नहीं हुई तो आप बहुत मतलब आगे चल के परेशान होंगे। तो इस प्रोग्राम को देखिए कम से कम 10 बार लिखिएगा, पूरे प्रोग्राम को मिनिमम 10 टाइम्स लिखिएगा, यकीन मानिए। अगर उसके बाद फिर से 11वें बार लिख के देखिएगा कि क्या आप इस प्रोग्राम को बिना देखे लिख पा रहे हैं, क्या वो दिमाग में फ्लो जो मैंने आपको समझाया वो बन पा रहा है। जब तक नहीं बनेगा ना तब तक लिखिएगा, मिनिमम 10 टाइम्स लिखिएगा ही लिखिएगा, उसके बाद फिर चेक कीजिएगा कुछ से लिख पाए नहीं लिख पाए। अगर एक लाइन में अगर आप भूल रहे हैं तो फिर से एक बार और लिखिएगा, फिर से बोल, तब तक लिखिएगा इसको जब तक कि आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल दिमाग में छप न जाए, ताकि आपको लिंक्ड लिस्ट के क्रिएट और डिस्प्ले के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। अगर इस एक प्रोग्राम को अभी आपने मेहनत कर लिया ना, तो आगे आने वाला हर प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम होगा। अब क्या होगा, फर्स्ट पोजिशन इंसर्ट, यानी कि हम नोड को पहले पोजिशन पे, कोई हम हमारे फंक्शन बनाएंगे जो फर्स्ट पोजिशन पे इंसर्ट करेगा, तो भैया क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, डिस्प्ले तो करना ही पड़ेगा, इसमें एक और चॉइस बढ़ जाएगा, 1 से क्रिएट, 2 से डिस्प्ले, 3 से इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, 4 से एग्जिट, 5 इंटरव्यू चॉइस, यानी इसी में चॉइसेस बढ़ते चले जाएंगे, इसी के अंदर फंक्शन की कॉलिंग बढ़ते चले जाएगी, इसी में फंक्शन जैसे क्रिएट का फंक्शन है, डिस्प्ले का फंक्शन है, एक और फंक्शन ऐड होते चला जाएगा। सो दिस विल बी द, मतलब ये तो बेस प्रोग्राम है, क्योंकि किसी भी लिस्ट का कोई प्रोग्राम हो, क्रिएट और डिस्प्ले तो करना ही करना है, उसके अलावा ही कुछ करना है ना। तो ये बिल्कुल एक बेस प्रोग्राम है,
और मैंने बिल्कुल बहुत ईमानदारी से इसको एक एक चीज को समझाया। अगर फिर भी अभी अगर आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है नहीं समझ, तो इस वीडियो को फिर से बिल्कुल सीरियस से शुरू से देखिए और बिल्कुल तसल्ली से देखिए, एक बार दो बार तीन बार 100% आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने जो है सिंगल लिंक लिस्ट का क्रिएट और डिस्प्ले का, यानी दो फंक्शंस क्रिएट और डिस्प्ले के फंक्शंस जो है मैंने कोड ब्लॉक्स की आईडी में लिखा है। यानी जो मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो है कोड ब्लॉक्स की आईडी, या कोई भी दूसरा आईडी यूज़ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी होती है। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो बिल्कुल वही सेम प्रोग्राम, वन बाई वन सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है। इसको रन करके इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था, या वो कहीं कुछ गलतियाँ कर देते हैं छोटी मोटी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल सेम प्रोग्राम है अगर आप वन बाई वन देखें, जो हमने अभी आपको एक्सप्लोर किया एक एक करके आपको बताया। इसमें डिस्प्ले का एक फंक्शन है, देखिए एक फंक्शन है किस लिए, तो हम क्रिएट कर रहे हैं लिंक लिस्ट को उसके लिए फंक्शन है, और एक फंक्शन जो है वो किसके लिए, वो है डिस्प्ले करने के लिए। हम लिंक लिस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, और चॉइसेस में हम क्रिएट लिस्ट और डिस्प्ले लिस्ट और एग्जिट का दे रहे हैं। अगर चॉइस वन है तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर चॉइस टू है तो है डिस्प्ले हो रहा है, चॉइस थ्री है तो ब्रेक हो रहा है, और अदरवाइज रॉन्ग चॉइस आ रहा है। और ये पूरा प्रोग्राम हमारा एक लिंक लिस्ट के क्रिएट और डिस्प्ले करने से रिलेटेड है। ये बिल्कुल मतलब इस तरीके से कर लीजिएगा, इतनी बार लिख लीजिएगा कि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि हाँ मैं प्रोग्राम लिखने बैठूं और वन गो में मैं पूरा लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिख सकूं। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे करेंगे बिल्ड एंड रन, तो ये प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। चलिए एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं इसको कि ये परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वन टू क्रिएट लिस्ट, टू फॉर डिस्प्ले लिस्ट एंड थ्री फॉर एग्जिट। अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं वन दबाऊंगा, यहाँ पूछता है एंटर द डेटा फॉर द न्यू नोड, मैंने कहा 10, ठीक है 10 एंट्री हो गई, एक लिंक लिस्ट में एलिमेंट चला गया। अब दूसरा क्या है, फिर से मैं क्रिएट करूंगा, मैं कहता हूं 20 डालना है मुझे, मैं फिर 1 दबाऊंगा मुझे 30 डालना है, मुझे मैं फिर 1 दबाऊंगा मैं 40 डालना है। यानी जब तक मैं 1 दबाते ही रहूंगा तब तक वो क्या होता है, एलिमेंट एंट्री करते रहेगा। अब मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या दबाना होगा, नहीं नाउ आई नीड टू पुश व्हाट, 2। अब जैसे ही 2 दबा के मैं एंटर करूंगा, देखिए जो मेरा एलिमेंट था 10 20, 30, 40, 50, और सबसे अच्छी बात है कि इसके बाद भी अगर आप चाहें, मतलब ये एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, इसलिए आप चाहें जितना एलिमेंट आप चाहें, देखिए आपकी मर्जी है, जब भी आपको मर्जी है आप क्या कर सकते हैं, इसमें नए एलिमेंट्स को ऐड करके आप देख सकते हैं, और वो एलिमेंट्स उसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो एरे में क्या होता था, साइज फिक्स होती थी, यहाँ पे कोई साइज फिक्स नहीं है, आपकी चॉइस, आप क्रिएट करते चले जाओ, एक एलिमेंट बनते चला जाएगा रन टाइम में उसके लिए मेमोरी, और उसमें वैल्यूज भी आप डालते चले जाओ। तो दिस इज द प्रोग्राम, और 3 दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम फॉर द लिंक लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, काफी मेहनत है आप जान रहे हैं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर तो बनना ही बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।